हेलो हेलो भाई लोग, वेलकम है जेजम गुरु चैनल का और एक ब्रांड न्यू वीडियो में। सो फाइनली हमारे 90 लेवल अप जो कि हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और मैंने इस 90 लेवल अप ओनली सोलो मैच खेल के किया है और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, मैंने 1050 मैच यहाँ पे खेल चुका हूँ। और मैंने 1050 मैच खेल के यहाँ पे मैंने 460 मैच यहाँ पे बुया किया है और 5600 के करीबन मैंने किल भी किया है। और रीजन पे भी मैं हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सोलो खेल के, ओनली सोलो खेल के मैं रीजन 46 नंबर पे हूँ। और आप में से काफ़ी सारे बंदे मेरे को कमेंट करते रहते हो, जेजीएम भाई आप रीजन पे भी हो, सोलो में उतरते ही 3 मिनट के अंदर अगर आप मर जाते हो तो कैसे करके मतलब उस गेम को खेलते हो, मैं इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। मैं पूरा मतलब ए टू जेड में कैसे लैंडिंग करता हूँ, कहाँ पे लैंडिंग करता हूँ और कैसे करके उस मैच को खेलता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करने से पहले मैं सोलो विंस को भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सोलो विंस पे मैं टॉप 2 नंबर पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और किल्स में मैं 3 नंबर पे आ चुका हूँ भाई लोग। और मैंने वेपन ग्लोरी तो भाई पता ही आप लोगों को, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, मैं M14 में टॉप 1 पर हूँ और M10 में भाई लोग टॉप 6 पर हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग मरने के बाद हम सीधा आ जाते हैं भाई लोग पानी में, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा 3 किल हो चुका है, तो मेरे को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा 3 किल हो चुका है, मेरे को इजीली अभी प्लस मिल जाएगा। और अगर मैं मरूंगा तो अभी इसी टाइम पे तो मेरा तो माइनस ही होगा। तो मैं थोड़ा अभी पानी में आ जाता हूँ क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, और इस मैच पे मेरा लेवल अप भी होने वाला है तो मैं अभी तो रिस्क लेने वाला ही नहीं हूँ। और 300 XP चाहिए इस गेम पे। तो यहाँ पे मेरे पास एक बंदा, अबे यार जोन के बाहर भी अभी बंदे हैं, देख सकते हो भाई मार ना दे, मेरे पास गन भी नहीं है यार। चलो देखते हैं भाई मार देते हैं कि नहीं भाई, मेरा तो अभी सीना धक धक कर रहा है भाई बहुत ही ज़्यादा। और बंदा आ तो नहीं आया, उसको लग रहा होगा मेरे पास भी गन है तो उसकी वजह से वो नहीं आया, और उसके पास भी अच्छे खासे गन नहीं थे तो उसने मेरे को रश मार के नहीं मारा। तो यहाँ पे मेरे को M41 मिल चुका है, तो देखते हैं, यहाँ सामने बंदा भी है और एक गन मिल चुका है फार्मर्स। तो भाई यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी तक जोन के बाहर बंदा ही बंदा है, तो ब्लू जोन पर बंदा ही बंदा है। तो हम लोग साइड साइड होकर थोड़ा लूट करने जाएंगे, वहाँ पर बॉक्स है ना उधर साइड जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बॉक्स पे बहुत ही तगड़ी लूट मिल जाती है। तो चलो हम लोग फटाफट से यहाँ पे बॉक्स के साइड पे चलते हैं, उधर घर भी है ना छोटे छोटे, और मरने के बाद छोटे छोटे घर ही लूटा करो क्योंकि अगर आप सीधा ओपन एरिया में जाओगे और फिर किसी उधर जाओगे मतलब ब्लू जोन पे घुस जाओगे तो आपको मरने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर भाई बंदा है और मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, उसको हिट मार दिया मैंने भाई, क्या ही तो डैमेज दिया था उसने, मैंने भी उसको डैमेज दे दिया। और यहाँ पे बॉडी बॉडी देने की ट्राई करते हैं और यहाँ पे ख़त्म कर दिया फाइनली हेडशॉट से भाई। मेरा तो भाई इस गेम पे भाई लक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप लोग देख सकते हो भाई जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ भाई बंदे ही बंदे मिल रहे हैं, और लेवल अप भी होना है तो मेरे को थोड़ा सेव भी खेलना है क्योंकि इस गेम पर ही मेरे को लेवल अप करना है। तो भाई देखते हैं यार, इतना ज़्यादा भाई बंदे ही बंदे, अबे और एक बंदा आ गया, लो बोला ना भाई इस गेम पर मेरा लक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भाई, बंदे ही बंदे आ रहे हैं तो मेरे पास अभी लूट नहीं है तो मैं थोड़ा बैकअप भी मार लूँगा भाई, छोड़ देते हैं उसको फिर मारेंगे नहीं। तो छोड़ो हम लोग थोड़ा पीछे के साइड अभी चले जाते हैं भाई, लूट कर लेते हैं वेस्ट वगैरह भाई। इस गेम पे ना भाई बिल्कुल भी मेरा लक नहीं है भाई, कहीं पर भी मैं जा रहा हूँ बंदे ही बंदे मिल रहा है, बंदे ही बंदे, नहीं तो भाई इतना ज़्यादा तो बंदे नहीं मिलते हैं। तो चलो और एक बंदा, लो भाई बोला ना भाई इस गेम पर लक मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, चलो उसको डैमेज देने की ट्राई करते हैं, और इस यहाँ पर डैमेज दिया वो मारेगा नहीं अभी तो फिर भी मैं रिक्स नहीं लूँगा। यहाँ पे ग्लूअर लगा देता हूँ और ग्लूअर लगा मैं ऊपर के साइड चलता हूँ, और इनहेलर मिल चुका है यहाँ पे 2, मेडिकेट वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मिल गया तो भाई अच्छी बात है। चलो यहाँ पे एक मतलब लूट बॉक्स है तो वहाँ पे लूट लेते हैं यहाँ पे। चलो मेरे को 3 का वेस्ट तो मिल चुका है और यहाँ पर टोकन भी मिल चुका है और बैग भी मिल चुका है मेरे को, मतलब अच्छे खासी लूट मिल चुका है, टोकन भी मिल चुका है यहाँ पे 1200 देख सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैं वेंडिंग पे जाऊँगा और ख़रीद लूँगा भाई अच्छी अच्छी गन यहाँ पे। तो आप लोग भी अगर मरा करो ना उसके बाद जोन के बाहर बाहर ही थोड़ा बहुत खेला करो ताकि प्लस मिल जाए, ब्लू जोन पे उतरते आप लोगों को तो किल तो मिल जाएगा, उसके बाद सर्वाइव कर लोगे तो भाई आपका प्लस भी हो जाएगा। तो अगर आप टॉप 20 पे आके भी अगर मर जाते हो तो प्लस ही होगा, मरोगे नहीं मतलब माइनस नहीं होगा, और अगर आप टॉप 30 के बाहर मरते हो तो
प्लस नहीं हो सकते, तो इसी वजह से मैं जोन के बाहर ही उतरता हूँ मरने के बाद। अगर मर जाता हूँ तो उतरते ही हमेशा मैं ऐसे ही करके खेलता हूँ। तो देखते हैं भाई लोग इस गेम को हम लोग बुया कर पाते कि नहीं। तो वहाँ से हम लोग लूट वूट करने के बाद भाई लोग आ जाते हैं यहाँ पे आर्सेनल लूटने के लिए। तो आर्सेनल लूटने के बाद हम लोग के यहाँ पे बंदा एक स्पॉट हो जाता है, तो उसको मैंने हेडशॉट तो मारा है और एक गोली का ही होगा, तो उसको हम लोग रश करके यहाँ पे मारने का ट्राई करते हैं। चलो देखते हैं मार पाते कि नहीं। थॉमसम है ना, घुसने का तो सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि M10 होता तो घुस घुस के पेल देते हैं। थॉमसम है तो थोड़ा दूर से यहाँ पे मार दिया उसका, उसके सोनिया एक्टिव हो चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। थोड़ा अच्छे बंदे तो इस गेम पे आया नहीं है, तो एवरेज बंदे आए हैं, तो ये तो मतलब उतना भी अच्छा बंदा नहीं था, इसीलिए देखते हैं भाई लोग। तो वहाँ से हम लोग लूट करने के बाद थोड़ा और आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आते आते भाई लोग मेरा किल हो चुका है, देख सकते हो आप लोग 6 किल हो चुका है। और यहाँ पे मेरे को और एक बंदा दिखा और उसको हम लोगों ने हेडशॉट से यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो देखते हैं और यहाँ पे मेरे को क्या लूट वूट मिलता है। और यहाँ पे 8 बंदे यहाँ पे अलाइव है आप लोग देख सकते हो। थोड़ा नॉर्मल लोग भी था क्योंकि मेरा इस गेम पे लेवल अप होने वाला था और मैंने लगातार बहुत सारे मैच बुया किए ना, तो नोबड़ा मतलब थी एवरेज लोग भी दे दिया ये वाला। तो देखते हैं भाई लोग इस गेम पर हम लोग बुया कर पाते हैं। मेरे पास लूट तो अभी तो बहुत अच्छा है और M14 भी यहाँ पे मिल चुका है देख सकते हो। मेरा हर गेम पे भाई M40 मिल ही जाता है, हर गेम पे मिल ही जाता है भाई। और यहाँ पे बंदा स्पॉट हो चुका आर्सेनल पे है, और यहाँ पे भाई किसी ने यहाँ पे चिप छोड़ा है भाई देख सकते हो, आर्सेनल के साइड बंदा है। फिर भी मैं यहाँ पे ड्रोन छोड़ूंगा भाई, रुको थोड़ा वेट करते हैं ड्रोन छोड़ने, देख लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं ड्रोन छोड़ूंगा क्योंकि बंदे स्पॉट करना है मेरे को, क्योंकि चारों तरफ बंदे हैं, मैं किस साइड जाऊँ भाई। अभी जोन में जाके पोजीशन लेना है इस जोन पे, मतलब बहुत सही होता है, मतलब जोन में अगर पोजीशन लेके बैठ जाओगे आप लोग, क्योंकि इस जोन पे जोन भी बहुत काटता है। और यहाँ पे मैंने एक बंदा स्पॉट कर लिया, और यहाँ पे पीछे से भाई एक बंदा गाड़ी लेके आ रहा था, और वो भाई उसका इंजेक्शन एक्टिव हो गया था, मतलब जोन में ही एलिमिनेट होने वाला था, उसको इंजेक्शन से उसको टिकाए रखा था। तो यहाँ पे मैंने एक बंदे को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, चलो उसको मैंने सोनिया उसको एक्टिव हो चुका है, उसको फिनिश भी कर दिया। और एक बंदा है शायद वहाँ पे, नहीं नहीं और बंदा नहीं है, तो चलो हम लोग उसको लूटते हैं फटाफट से जाके। यहाँ पे गुलवा लगा है भाई, शायद बंदा हो सकता है, नहीं और आर्सेनल के साइड एक बंदा है, उसको स्पॉट कर लिया हम लोगों ने। तो चलो वहाँ पे ऊपर चलते हैं, शायद उसके पास कुछ अच्छी खासी और अटैचमेंट रह जाए। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा हेल्थ जो कि बढ़ चुका है भाई लोग, मैं बोला ना यहाँ पे अटैचमेंट भाई मिलेगा, तो मिल चुका है यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक अटैचमेंट। और यहाँ पे इस पीछे वाले बंदे को मैंने बहुत ही अच्छा डैमेज दे दिया भाई, क्या ही सोच के आ रहा भाई, मेरे को देखा नहीं क्या तूने, मैं ऊपर चढ़ा था। तो यहाँ पे उसने ग्लूवल तो लगाया, शायद पैक कर लिया होगा, चलो उसको मारते हैं। और पैक कर लिया तो उसको हम लोग यहाँ पे ग्रेनेड मार देंगे, तो देखते हैं ग्रेनेड से ये बंदा नॉक होते कि नहीं, मतलब फिनिश होते कि नहीं। और यहाँ पे ये बंदा तो नॉक हो चुका है यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मैं और 2 ग्रेनेड मार दूंगा तो ये कॉन्फर्म हो जाएगा, चलो देखते हैं। और यहाँ पे इस बंदे को हम लोगों ने कॉन्फर्म कर चुके हैं, और यहाँ पे मेरा 11 किल यहाँ पे हो चुका है देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे लास्ट बंदा जो कि बचा हुआ है, मतलब जिंदा है, तो उसको हम लोग लॉन्चर गन से यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश करेंगे। तो डैमेज तो नहीं पड़ा लेकिन उसका ग्लूवल फोड़ देंगे, क्योंकि लास्ट में जब वो बंदा रहेगा तो उसके पास ज़्यादा ग्लूवल रहेगा, और मेरे पास ग्लूवल रहेगा तो मेरे को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा डैमेज दिया है, अरे भाई कितना ग्लूवल लेके रखा है भाई, तो यहाँ पे लॉन्चर गन भी मार रहा हूँ भाई, कितना ग्लूवल है इसके पास, और अच्छा बंदा है भाई, देखते हैं इसको फिनिश कर पाते हैं कि नहीं। और मेरा इस गेम के बाद लेवल अप होने वाला है भाई, 90 लेवल अप, इतना मेहनत के बाद 90 लेवल अप होने वाला है। तो देखते हैं भाई क्या रिवार्ड में देता है, तो एक ही बंदा है इसको मार के पहले पुया लेते हैं हम लोग। तो भाई लोग उसको 28 का तो डैमेज तो पड़ा था, और मेरे पास अभी 9 ग्लूवल है, तो चलो मैं थोड़ा आगे की तरफ चलता हूँ। और लॉन्चर गन पे एक ही एमओ है भाई, उसको यूज़ तो करेंगे हम, लेकिन उससे पहले ग्रेनेड वगैरह सब मार देते हैं भाई, तो डैमेज वगैरह आ जाए तो। और यहाँ पे मैंने ग्रेनेड तो मारा, और यहाँ पे मैक्सवेन से भाई क्या ही तो डैमेज दे रहा भाई, 6-6 करके भाई बताओ। चलो यहाँ पे हम लोग और ग्रेनेड मार देते हैं भाई, बहुत सारे ग्रेनेड है मेरे पास, वो बंदा तो भाई डर गया होगा भाई इतना ज़्यादा ग्रेनेड में मारो। और यहाँ पे एक हेडशॉट और बॉडी भी लगा है, मेरे को भी मार दिया उसने बहुत गंदे तरीके से, देखते हैं इसको मार पाते। और यहाँ से तो भाग गया वो, अरे यार कहाँ साइड चला गया, इसको पीछे से मार रहा है। और यहाँ पे बॉडी बॉडी, और यहाँ पे ख़त्म भाई, फाइनली हम लोगों ने बुया कर लिए है भाई, इसी तरीके से भाई खेलता हूँ मैं मरने के बाद।
और यहाँ पे भुया हो चुका है, तो देखते हैं भाई कितना प्लस मिलता है। 29 प्लस हुआ है और इस गेम पे बात शायद लेवल अप भी हो चुका है, और यहाँ पे लेवल अप हो चुका है भाई लोग, 90 लेवल अप। भाई कितना मेहनत के बाद 90 लेवल अप हुआ है, देखते हैं रिवार्ड पे। अबे यार ये चूतिया रिवार्ड, अब भाई क्या रिवार्ड दिया भाई, भाई इतना मेहनत करने के बाद 2 टोकन दिया बस, भाई क्या ही बोले भाई, छोड़ देते हैं भाई गेम में। तो भाई लोग यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेल देम टेक केयर एंड।